नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी और होम्योपैथी में किन किन दवाइयों का इस्तेमाल एसिडिटी की कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि आमतौर पर हर बीमारी का इलाज संभव है एवं होम्योपैथी में एसिडिटी के लिए भी कई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं हम किन किन सिम्टमों में किन किन होम्योपैथी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है हमारे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाना, जिसे आमतौर पर हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं। हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है, लेकिन जब किसी कारण से हमारे शरीर में इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें पेट फूलना, पेट में दर्द, खट्टी डकारों का आना, नोजिया, वॉमिटिंग या कमर दर्द जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, और इन सिम्टम्स को मिलाकर ही हम एसिडिटी का नाम देते हैं। दोस्तों, हाइपर एसिडिटी हमारी ही गलत लाइफस्टाइल, जैसे कि लंबे समय से चली आ रही एलोपैथिक दवाइयों के कारण होने वाली हाइपर एसिडिटी, या बहुत अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, या स्मोकिंग करना, या बहुत अत्यधिक मात्रा में चाय एवं कॉफ़ी का सेवन करना। कभी कभी हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी नहीं होती है या हमारी नींद पूरी नहीं होती है, उस कंडीशन में भी हमें हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में इस एसिडिटी के लिए बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं सिम्टम के बेस पर हम किन किन दवाइयों का इस्तेमाल एसिडिटी के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक बहुत ही लाभकारी एवं असरकारी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि जीआईटी रिलेटेड हर कंप्लेन को कवर करती है एवं जीआईटी से रिलेटेड हर सिम्टम या हर कंप्लेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं एसिडिटी में नक्स वोमिका का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। अगर सुबह के समय या चाय या कॉफ़ी पीने के बाद या खाना खाने के बाद एसिडिटी के सिम्टम बढ़ जाए, या खाना खाने के बाद पेट में हेवीनेस लगे, पेट में दर्द हो, या मुंह में कड़वापन हो, या बार बार खट्टी डकारें आने जैसे सिम्टम आए, तब हम नक्स वोमिका मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होम्योपैथी मेडिसिन है और इस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज। दोस्तों, कार्बोवेज का इस्तेमाल उस समय बहुत ही लाभकारी होता है जब पर्सन लंबे समय से पेट फूलने की समस्या लेकर आए, या पेशेंट को बार बार पेट फूलने की समस्या हो, एवं नॉर्मल एवं बहुत लाइट फूड खाने के बाद भी पर्सन को पेट फूलने की समस्या हो जाए, उस कंडीशन में हम कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होम्योपैथी मेडिसिन है और इस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है पल्सेटिला। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही प्रभावकारी एवं लाभकारी होम्योपैथी मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब हेवी फास्ट फूड या ऐसे खाना जैसे कि आइसक्रीम, नूडल्स, पास्ता, पिज्ज़ा खाने के बाद पेशेंट्स में हाइपर एसिडिटी के सिम्टम बढ़ जाए, उस कंडीशन में हम पल्सेटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कार्बोवेज का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब नॉर्मल खाना खाने के बाद एसिडिटी के सिम्टम बढ़ जाते हैं, एवं पल्सेटिला का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट में हेवी फास्ट फूड खाने के बाद एसिडिटी के सिम्टम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और होम्योपैथी मेडिसिन है और इस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है ब्रोनिया। ब्रोनिया का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पेशेंट में हाइपर एसिडिटी जैसे कि पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द के साथ साथ बार बार प्यास लगने एवं मुंह सूखने की शिकायत हो। जब कोई पर्सन इस प्रकार के कंप्लेन बताए और बोले कि हमें मुझे हाइपर एसिडिटी के साथ साथ बार बार प्यास लगने एवं बार बार मुंह सूखने की शिकायत हो रही है, तब आप उस कंडीशन में ब्रोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ऐसी कई होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में जाना जिनका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम। जब फैटी फास्ट फूड खाने के बाद या आधी रात में लगने वाली भूख के बाद हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है, तब आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन
नंबर 25। दोस्तों BC25 का इस्तेमाल एसिडिटी से संबंधित हर एक समस्या में किया जाता है, जैसे पेट दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, गैस रिफ्लेक्स या मुंह में कड़वापन या बार बार खट्टी डकार आने जैसे सिम्टम में BC25 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छी एवं लाभकारी होम्योपैथी मेडिसिन है। दोस्तों अगर आप भी बहुत लंबे समय से एसिडिटी जैसी समस्या से ग्रसित है एवं काफ़ी उपचार कराने के बाद भी आपको एसिडिटी की समस्या में कोई फायदा नहीं हुआ है, तब आप इन होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल सिम्टम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह होम्योपैथी मेडिसिन किसी भी डिस्पेंसरी में या किसी भी होम्योपैथी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाती है एवं ज़रूरत पड़ने पर आप आपके नज़दीकी किसी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं एवं सलाह लेने के बाद भी इन होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो 30 एवं 200 पोटेंसी में इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो।